हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम फूडीज ब्लॉग में एक बार फिर से। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम औरंगाबाद महाराष्ट्र में सुबह सुबह घूमने निकले थे और शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सुबह सुबह मसाल डोसा का नाश्ता यम्मी वाला करने बैठे थे और हम पूरे फैमिली चाचा चाची के साथ घूम रहे थे। तो फ्रेश नाश्ता करने के बाद यहाँ से हम निकलेंगे एलोरा केव, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और काफ़ी प्राचीन काल की गुफाएं हैं, उनका दर्शन करेंगे, आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। तो कुछ इस तरह का टोकन है फ्रेंड्स हमें मिला, यहाँ पर टोकन लेना पड़ता है और 40 रुपया पर हेड है टोकन आपको, और फॉरनर के लिए 600 रुपया पर हेड है और हमारे लिए है 40 रुपया। तो 5 टोकन हमने लिया है। अभी हम बढ़ रहे हैं एलोरा केव की तरफ। ये गेट है, यहाँ पर टोकन दिखाकर हमें आगे जाना होता है। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं एलोरा केव घूमने, तो चाचा चाची हमें एक्सप्लोर करवा रहे हैं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो स्थित है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, वीडियो में बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आइए चलिए घूमते हैं साथ साथ एलोरा केव। तो फ्रेंड्स सामने जो पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ों में जो गुफा दिख रही है वो एलोरा केव का गुफा है। यहाँ पर कुल 35 से 36 गुफाएं घूमने के लिए है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, बाहर से आते हैं, फॉरनर भी आते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। काफ़ी शांतिपूर्ण जगह है, पीसफुल प्लेस है और ये काफ़ी प्राचीन प्लेस है, मतलब हजारों लाखों साल पुराना ये बनाया गया है। तो आइए देखते हैं, हमारा भारत का इतिहास भी काफ़ी मतलब रहस्यमय होता है, तो लोग देखना ज़रूर पसंद करते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं देखने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहाड़ को काटकर बनाया गया है, मतलब एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। तो आइए अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ है, मतलब क्या क्या देख सकते हैं। ये है एंट्री गेट, यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं फ्रेंड्स। वाओ, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ मैंने मूवी में ही देखा है। तो आइए पहली बार हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, देखने आए हैं। और ये चट्टान तो काफ़ी मजबूत लग रहा है फ्रेंड्स, और कितना पुराना है, मतलब देख सकते हो आप, मतलब पहले के जो आधुनिक इंजीनियर थे ना, अभी के आधुनिक इंजीनियर से ज़्यादा मतलब विकसित थे। ये देखो आप, देखो मतलब किस तरह से चट्टानों को काट काट कर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स एलोरा केव जो है, एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल है। एलोरा केव औरंगाबाद के उत्तरी पश्चिमी से लगभग 29 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफा दुनिया का सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। इन गुफाओं की खासियत यह है फ्रेंड्स, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषता और कलाकृति देखने को मिलती है, जिसको 6वीं से 10वीं अवधि से संबंधित है। यहाँ फ्रेंड्स जहाँ तक बात रही कि एलोरा केव कब बना, किसने बनवाया, तो फ्रेंड्स जहाँ तक विकिपीडिया के अनुसार राजकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है। और इस गुफाओं में काफ़ी सारी खास बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। हमारा भारत का यह बहुत प्राचीन इतिहास है जो काफ़ी संभाल कर रखा गया है, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे काफ़ी सारे प्राचीन रहस्यमय चीज़ें हैं। और मतलब यहाँ की आर्किटेक्चर, भारत की आर्किटेक्चर का जवाब नहीं, जो पहले के आर्किटेक्चर थे, जो पहले के इंजीनियर्स कह सकते हैं आप उसको, मतलब पूरे दुनिया में हमारे भारत का कोई जोड़ नहीं। अभी का तो मैं नहीं कह सकता, पर पहले के इंजीनियर काबिले तारीफ थे। तो फ्रेंड्स मेरे को ज़्यादा जानकारी इस चीज़ का नहीं है, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर कम, फूड ब्लॉगर ज़्यादा हूँ, पर घूमने आया हूँ तो कुछ जानकारी मैंने ली है, जो कुछ मैंने पढ़ा है इसके बारे में, बचपन में भी किताबों में पढ़ाया गया था, तो जो कुछ पढ़ा है वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आइए, तो इस गुफाओं की
के बारे में कुछ बताते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं जो घूमने के लिए हैं, और इन गुफाओं में जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं मंदिर बने हैं, ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 1 से 12, 17 हिंदू गुफाएं हैं, 13 से 29, और 5 जैन गुफाएं हैं, 30 से 34। देखिए फ्रेंड्स, भोले बाबा का शिवलिंग यहाँ पर हम दर्शन करने आए हैं गुफाओं में। कितना बड़ा शिवलिंग है, और मतलब किस तरह से इसे बनाया गया होगा, मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता। और इसकी खासियत यह है फ्रेंड्स कि एक रॉक को, एक चट्टान को काट कर बनाया गया है, और नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं मतलब क्या आधुनिक यंत्र लगा होगा उस समय। अभी का कोई भी इंजीनियर, इंडिया का छोड़ो, विदेश में भी जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो भी नहीं सोच सकते। इसलिए तो वो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, इस चीज़ को देखने आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्राचीन धरोहर है उसकी रिस्पेक्ट करो आप सब, क्योंकि वो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। वो बाहर वाले आते हैं, वो इस चीज़ को स्टडी करते हैं और इनके इन पर किताबें लिखते हैं। तो सोचो हमारे देश में कितने सारे चीज़ें हैं जिस पर हमें गर्व करनी चाहिए। हमारे देश जैसा कोई देश नहीं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, गुफाओं को अच्छा से घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी मतलब पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, और काफ़ी मुझे मतलब दिल से इतना अच्छा लग रहा है, और इन चीज़ों को देखकर मैं काफ़ी मतलब भावुक हो गया हूँ, और मुझे मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और जितना मुझे जानकारी थी मैंने आप सबको बताया। फिलहाल हम घूमते हैं, मस्त एकदम एक्सप्लोर करते हैं। तो आज फूड ब्लॉग कम मतलब ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा होगा, हिस्टोरिकल चीज़ें ज़्यादा देखेंगे। तो आइए चलिए घूमते हैं, गुफाओं को एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर मैं हूँ अभी एक जगह, और वहाँ से देखो लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, मैं कितने हाइट पर हूँ। और ये पहाड़ देखो मतलब गजब, कितना मतलब कैसे काट के बनाया होगा, मैं अभी भी सोच कर मतलब पागल सा हो रहा हूँ। ये बालकोनी टाइप है फ्रेंड्स, यहाँ बालकोनी से एंट्री है, बाहर से आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और हम अभी बालकोनी में, गुफा के बालकोनी में खड़े हैं। चाचा, चाची, मिष्टी, छोटू, हम सब खूब इंजॉय कर रहे हैं, और ये सारा क्रेडिट जाता है चाचा चाची जी को, जिनने हमें इतना प्यारा प्यारा जगह, इतना अच्छा अच्छा जगह घुमाया। थैंक यू सो मच चाचा चाची जी। तो ये मिष्टी, छोटू, चाचा, चाची सब खूब इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ घूमने में काफ़ी मज़ा आता है फ्रेंड्स। हम भी घूम रहे हैं, पता ना फिर कब मौका मिलेगा महाराष्ट्र आने को। ये तो हम आ गए हैं किसी तरह इतने दूर, और घूमने चले आए चाचा चाची के साथ, घूम रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। तो फिलहाल अभी हम पूरा घूम रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ देर तक हम घूमेंगे, और आज ही हमारी ट्रेन भी है, तो ट्रेन भी पकड़ना है, तो जितना हो सके आपको एक्सप्लोर कराएंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे गुफाएं यहाँ पर, कुल 34 गुफाएं हैं। तो सारा तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, फिर भी मेन हम जो जितना भी कवर करेंगे, मेन गुफाएं घूमें हम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम सीढ़ियाँ चल रहे हैं, और काफ़ी मतलब स्ट्रेट सीढ़ी थी ये, थक गए ऊपर आकर। यहाँ देखते हैं क्या है, काफ़ी मतलब
हॉरर टाइप भी है, मतलब रात वात को अगर आ जाए तो डर भी जाए आदमी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब देखकर ये सारी चीज़, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस देखकर मतलब काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिलता है घूमने से। अब मैं यहाँ आया, ये वीडियो बनाया, तो इस चीज़ के बारे में जानने की भी कोशिश की, काफ़ी सारी जानकारी मिली और ये जानकारी आप तक भी शेयर किया। तो फ्रेंड्स घूमना चाहिए, लाइफ में घूमना चाहिए। घूमने से क्या होता है ना, चीज़ों को आप खुद सामने से परखोगे, देखोगे और उस चीज़ को जानोगे, तभी आपको लाइफ में पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि घर बैठ कर देखना और सामने से देखने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स किताबी तक तो ठीक है, किताबों की जानकारी सही है, लेकिन सामने भी जाइए, उस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, उस चीज़ को देखिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, मुझे घूमना काफ़ी पसंद है, पर मैं कुछ कारणवश नहीं ज़्यादा घूम पाता, लेकिन फिर भी जितना हो सके जाता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ। फूड ब्लॉग में आप देखते ही हैं जितना मैं घूमता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो आज फूड ब्लॉग कम ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा हो गया, तो काफ़ी दिनों बाद घूमने आए तो ये भी ज़रूरी है। ये बनावट देखो फ्रेंड्स, किस तरह का एकदम बनावट है, ऊपर का देख रहे हो, बौद्ध भगवान का मंदिर है ये, और मतलब बनावट देखो, और अंदर फ्रेंड्स इतना मतलब बाहर कड़ा धूप है और अंदर इतना ठंडा लग रहा है, मतलब एकदम शीतल है, एकदम ठंडा है, और काफ़ी बड़ा बौद्ध भगवान का मंदिर है। ऊपर देखो मतलब किस तरह पहाड़ को काट कर बनाया गया है, मतलब आप देख रहे हो एकदम गजब का भाई, एकदम कह नहीं सकते कि ये चीज़ मतलब किस तरह बनाया होगा, क्या है, कैसे बनाया होगा, कोई नहीं बता सकता। और काफ़ी सारे साइंटिस्ट यहाँ पर आए, इस चीज़ पर रिसर्च किए, पर उन्हें भी सही अनुमान वो नहीं लगा पाए कि किस तरह इस गुफाओं को बनाया गया है। तो हमारे देश के फ्रेंड्स यही खासियत है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं। तो आइए वहाँ से ये नहीं नहीं इसलिए सबको भगा रही थी क्या? ऊपर से चढ़ के जाना है, वैसे नहीं जाना है, वैसे गिरेगा सब तो नीचे ही जाएगा। राजगीर अब गम तो फ्रेंड्स धूप भी काफ़ी है और सब घूम घूम कर थक चुके हैं, चाचा चाची मिस्टी सब बैठ गए हैं, और सही मानिए तो हम लोग भी थक चुके हैं, प्यास भी लग रही है। तो फ्रेंड्स एकदम काफ़ी थक चुके हैं और लगभग ये लास्ट गुफा है, हम घूम चुके हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं हम लोग, सब चीज़ मतलब देखते हुए घूमना है, बैठ बैठ कर घूमना है, क्योंकि आप फ्रेंड्स लगातार इतनी सारी गुफाएं नहीं घूम पाओगे। यहाँ आओ तो फ्रेंड्स टाइम लेकर आओ, सुबह सुबह आओ, 8-9 बजे तक आओ और आराम से शाम तक घूम के जाओ, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें नहीं घूम पाओगे और अच्छा से एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। हम सुबह सुबह ही आए थे, 9-10 बजे तक आए थे, अभी फ़िलहाल 2 बजने वाला है और हम थोड़ा देर और रुकेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमारी शाम को 6 बजे नासिक से ट्रेन भी है फ्रेंड्स। तो फिलहाल हम जल्दी जल्दी में घूमें, लेकिन काफ़ी अच्छा से घूमे हैं और नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आएंगे और टाइम लेकर आएंगे और अच्छा से चीज़ों को घूमेंगे, अच्छा से और करीब से एक्सपीरियंस करेंगे, चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। तो फ्रेंड्स जितना हो सके आपको हम मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की और जानकारी देने की कोशिश की, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आई एम ए फूड ब्लॉगर नॉट अ ट्रैवल ब्लॉगर, तो मैं ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता, फिर भी जितना कोशिश हुआ मैंने किया है। तो चलिए इन गुफाओं को देखते हुए हम इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय कीजिए वीडियो के माध्यम से, और चैनल को फ्रेंड्स कर देना लाइक सब्सक्राइब शेयर, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स फूड ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग आते रहेंगे हमारे चैनल में और आप सबको हम जितना हो सके इंटरटेन करेंगे।
थक गए ना, और उस साइड से फिर रोड है जो मेन रोड आ जाता है। तो फ्रेंड्स चाचे जी चिप्स खा रही है, केला का चिप्स, तो चलिए हम भी थोड़ा खा लेते हैं। घूमते घूमते थोड़ी भूख तो लग गई है। तो यहाँ पर ये बिक रहा था केले के चिप्स है, ये देखिए केला का मतलब स्लाइसेस काट कर सुखा कर ये बनता है, और खाने में थोड़ा सा शुरू में क्रंची लगता है लेकिन चबाने के बाद थोड़ा सा नमी आ जाता है इसमें। तो चलिए इंजॉय कर रहे हैं, मस्त हो गया हम लोग का फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, और फिलहाल हम गाड़ी में बैठ चुके हैं फ्रेंड्स और यहाँ से निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो बस यहीं तक रहा, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि हम यहाँ से निकलकर अब नासिक रेलवे स्टेशन तक का जर्नी, औरंगाबाद टू नासिक। औरंगाबाद में हमारा फिलहाल यहीं तक का था और टाइम हमारे पास कम था, एक ही दिन था जिसमें हम जितना हो सके घूमे फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मैं वीडियो में इसके पीछे वाला वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए फूड ब्लॉग के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए टाटा।